नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। 2 अगस्त सावन सोमवार, बस थोड़ा सा चावल यहाँ डाल दें, बनेंगे सारे बिगड़े काम, छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा घर में। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और सावन के महीने में अगर सोमवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा। अगर सावन के महीने में सोमवार का दिन आ जाए तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और अगर सावन के सोमवार के दिन आराधना की जाए, भगवान शिव जी की पूजा की जाए, तो इस महीने का पूरा फल आपको मिलता है। क्योंकि सावन के महीने में सोमवार का दिन जो होता है भगवान शिव जी को समर्पित होता है। देवों के देव महादेव की उपासना के लिए यह महीना सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है। चूँकि आज हमारा टॉपिक है सावन सोमवार के दिन बस थोड़ा सा चावल, चावल बहुत प्रिय होता है भोलेनाथ जी को। सोमवार के दिन चावल नियमित रूप से अगर आप चढ़ाएं शिवलिंग पर तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है, और जो भी धन की मुश्किलें हैं, जो भी आपको दुख तकलीफ है, किसी प्रकार की आपको दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार कोई बाधाएँ धन खासकर धन को लेकर है तो आपके धन की मुश्किलें दूर होंगी। सच्चे मन से श्रद्धा से शिव जी की पूजा सोमवार के दिन जरूर करें। सावन सोमवार के दिन आप लगातार भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब आप क्या करें, सूर्योदय से पहले उठें सोमवार के दिन। हालांकि सोमवार का व्रत रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो भोलेनाथ अति शीघ्र आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। देखिए, सावन सोमवार के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें तो आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा ध्यान स्नान, यानी पूजा करने के बाद आप ध्यान करें भगवान, यानी कि भगवान शिव शंभु को एक लोटा जल अर्पित करें। यानी एक लोटा जल अर्पित करते समय थोड़ा सा उसमें चावल और मिश्री डाल के ही अर्पित करें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र अनिवार्य है, वैसे भी चढ़ाना चाहिए, सोमवार के दिन खास कर चढ़ाएँ। फिर आप सूर्यदेव को एक लोटा जल दें। सूर्यदेव को एक लोटा जल देते समय आप भी अपने मन की मनोकामना बोल सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देखिए, भगवान शिव जी श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और विष निकला था, तो इसी सावन के महीने में ही उन्होंने विष का भी वो किया था, पिया था, जो हलाल विष था। हालांकि फिर भगवान भोलेनाथ के कंठ में हालांकि नीला पड़ गया था, लेकिन फिर उन्होंने जल से स्नान सभी देवों ने कराया, तब जाके उनका ये यहाँ से विष का प्रभाव कम हुआ और धीरे धीरे चीज़ें बढ़िया हो गई। अब चूंकि सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है, इस दिन पूरे परिवार की पूजा करें भगवान भोलेनाथ की, भगवान माता पार्वती की करें, भगवान भोलेनाथ की करें। सावन सोमवार के दिन चावल, चूँकि हमारा टॉपिक है आज के दिन चावल का, तो देखिए क्या करेंगे, सावन सोमवार के दिन चावल का दान करें तो काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा चावल। देखिए क्या करेंगे, आप जब शिवलिंग पर स्नान कराने जाएंगे, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने जाएंगे, तो आप एक लोटा जल में थोड़ा सा चावल जरूर आप डाल के जाएं, लेकिन आप सोमवार के दिन थोड़ा सा चावल आप यानी अपने मुख्य दरवाजे के पास भी नीचे डाल दें और उसके ऊपर कलश रख दें, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है सोमवार के दिन। सावन सोमवार के दिन अगर चावल का प्रयोग अगर आप नियमित रूप से अगर करें शिवलिंग पर तो जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, चावल का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व होता है। चावल प्रत्येक कार्य में आता है, जैसे कि आप चावल पूजा पाठ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसे अक्षत कहते हैं। अगर चावल का अभिषेक, यानी कि चावल आप जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं, और चावल जो आप माथे पर भी धारण करते हैं हल्दी के साथ मिला हुआ, कभी किसी शुभ कार्य में आप देखते होंगे चावल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी पूजा पाठ में चावल का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एकादशी को छोड़कर चावल प्रत्येक व्रत में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पर्व में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में काफ़ी शुभ माना जाता है। चावल को अक्षत भी कहते हैं। हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि अगर आप पूजा करते समय किसी वस्तु की अगर कमी पड़ जाए तो आपको चावल ही उसमें, उस जगह पर चावल को शामिल कर लिया जाए तो उस वस्तु की कमी को दूर कर देता है चावल, और चावल से पूजा भी पूर्ण हो जाती है। अगर किसी वस्तु की अगर कमी है और चावल उस स्थान पर उस यानी चीज़ के बदले में रख दें तो उस पूजा का पूरा फल भी मिलता है, और उस पूजा की यानी कि आपको ज़रूरत उस चीज़ की भी पूर्ति कर देता है चावल।
लेकिन ध्यान रखें सदैव साबुत चावल होना चाहिए, जिसे अक्षत कहते हैं, यानी कि टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। आप जब शिवलिंग पर भी सावन के सोमवार के दिन आप चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, तो आपको साबुत चावल लेना है, न कि टूटा फूटा नहीं लेना है, साबुत चावल चाहिए। अब एक छोटा सा प्रयोग और हम आपको चावल का बताते हैं। मान लीजिए अगर आपके व्यवसाय में धन की कमी आ रही है, बार बार नौकरी छूट जाती है और घर पर आके बैठ जाते हैं, या नौकरी लगती है तो आपका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है, तंगी हाल हो जाते हैं, यानी कि तंगी का सामना करना पड़ता है, पैसा टिकता नहीं है आपके घर में और बहुत सारे दुख तकलीफ है, तब आपको क्या करना चाहिए? सावन सोमवार के दिन एक छोटा सा चावल का प्रयोग करें। क्या करेंगे? भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए समस्त, यानी कि चीज़ों को पहले ले लें, बेलपत्र वगैरह सब कुछ ले लें, उनकी पूजा में जो जो सामग्री, पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, यानी चावल भी ले लें, तो आप शिवलिंग के सामने बैठ जाए सावन सोमवार के दिन, और आपको एक कपड़े, सफेद कपड़े बिछा देना है। सफेद कपड़े के पास आप क्या करें कि पुष्प रख दें और उसमें आप बेलपत्र रख दें, उसी में आप थोड़ा सा चावल रख दें। चावल साबुत होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, साबुत चावल होने के बाद उसमें आपको, यानी कि समस्त जो पूजा सामग्री है वो रख दें भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए, जो भी आपकी मनोकामना, जैसे कि फल वगैरह रख दें, फलों में जो भी आपके मन हो, केला फल रख दें, सेब रख दें, अंगूर रख दें, या फिर आप चाहें तो आम के फल, चूँकि मौसमी फल भी है तो आप रख सकते हैं। समस्त चीज़ों को रखने के बाद आप क्या करेंगे कि भगवान शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करें, फिर उनके ऊपर, यानी आप पुष्प अर्पित करें और उन्हें चावल अर्पित करें। चावल अर्पित करने के बाद, यानी कि उन्हें बेलपत्र अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें, फिर क्या करेंगे कि जो आपने चावल भगवान शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ है शिव जी को, उसमें से आप कुछ दाने चावल निकाल लें और उस, यानी चावल को आप चुपचाप, यानी कि अपने अलमारी पर रख दें, जहां आप कीमती सामान रखते हैं, सोने चांदी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, आप अपने, यानी कि अलमारी पर रख दें, कीमती सामान जहां रखते हैं वहां पर रख दें, फिर देखेंगे कि कैसे सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, छप्पड़ फाड़ के धन संपदा बरसेगा, नौकरी जल्द लगने की संभावना बनेगी, धन व्यवसाय में खूब ज़्यादा आएगा, धन के स्रोत बनते चले जाएंगे और आपका घर धन धान से भर जाएगा, यानी कि छप्पड़ फाड़ के भोलेनाथ जी धन संपदा आपको देंगे। तो सावन सोमवार के दिन आपको बस थोड़ा सा चावल जो आपने शिव जी के पास चढ़ाया हुआ है, उसी चावल को लेकर और आप अपनी अलमारी पर रख दें, कुछ दाने आप अपने पर्स में रख लें तो यहाँ पर भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आपको कुछ, यानी जो आपने कपड़े पे बिछा रखा है आपने शिव जी के पास, यानी सफ़ेद कपड़े पे चावल पुष्प वगैरह सब कुछ, तो आप उनमें से थोड़ा सा आपको चावल ले लेना है, थोड़ा सा चावल लेके और उसमें से पुष्प एक ले लेना है, और बस आपको ये जो चावल है आप अपने मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ डाल दें, फिर देखिए कैसे आपके घर में चमत्कार होता है, आपके घर में भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों चावल का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करिए सावन सोमवार के दिन, अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी, धन खूब आएगा, धन छप्पर फाड़ के बरसेगा, सारे बिगड़े काम बनेंगे, जीवन में नौकरी जल्द लगेगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, संतान प्राप्ति होगी, हर प्रकार से आपको सुख ही सुख प्राप्त होता चला जाएगा। तो दोस्तों इस बार 2 अगस्त के दिन सावन सोमवार के दिन जरूर ये छोटा सा चावल का प्रयोग करें, बस थोड़ा सा चावल यहाँ डाल दें जहाँ हमने कहा है, फिर देखिए। वैसे तो देखिए सावन सोमवार के दिन थोड़ा सा चावल अगर आप तुलसी जी के पास भी डाल दें तो जीवन में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।